हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं JagranJosh.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश में तेल अबीब विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनगुया साल्मिनिकोला की खोज की है। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है, अवायवीय श्वसन, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है इज़राइल। तो अब यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो इसको अगर हम अंग्रेज़ी में समझें तो इसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो एक तरह का प्रोसेस होता है और जिसमें कि सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ आपको आपको दोस्तों बता दें कि ये हेनगुया साल्मिनिकोला जेलीफिश के आकार का एक छोटा सा परजीवी है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, और ये परजीवी सैल्मन फिश के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ये अवायवीय श्वसन पर निर्भर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया। इस परजीवी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जिस तरह से बिजली के लिए पावर हाउस की ज़रूरत होती है, वैसे ही कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी पावर हाउस से ही मिलती है। तो और जीवित प्राणी की हर कोशिकाओं में मिलने वाले इस पावर हाउस को जो है कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो केरल का उच्च न्यायालय है उसने सुनवाई के दौरान ये कहा कि शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए होते हैं और ये विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं होते हैं और किसी भी अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का हक नहीं है इसमें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का हक नहीं है, और भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से रहा है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट JagranJosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, जिसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो इसकी स्थापना को मंजूरी किसने दी है, कितने करोड़ रुपए की लागत के लिए? तो इसकी स्थापना की जो लागत होगी वो होगी 1480 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम अपने बजट भाषण में रखा था और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 साल की अवधि, यानी कि 2020 से 2021 से लेकर
2023 से 2024 तक में कार्यान्वित किया जाएगा और इसकी अनुमानित जो है लागत वो बताई जा रही है 1480 करोड़ रुपए होगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा वो समझ लेते हैं। भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा और तकनीकी वस्त्रों का उपयोग जो है कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, उद्योग और साथ ही साथ खेलकूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता रहा है। आपको यहाँ पर दोस्तों ये बता देते हैं कि इस मिशन की जो है चार कॉम्पोनेंट्स हैं, उसमें अनुसंधान, नवाचार और विकास है, फिर दूसरा है संवर्धन और विपणन विकास, फिर तीसरा है निर्यात संवर्धन और चौथा है शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। यहाँ पर दोस्तों मैंने यूज़ किया तकनीकी वस्त्र इस्तेमाल किया था मैंने एक टर्म, तो इसे कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। अब ये होता क्या है तो ये समझ लेते हैं कि उन वस्त्रों को ये कहा जाता है जिनका निर्माण जो है सौंदर्य विशेषताओं के स्थान पर मुख्य रूप से तकनीकी तथा उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मियंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी म्यांमार, यानी कि भारत यानी कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कितने समझौते हुए हैं हाल ही में? 10 समझौते हुए हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं यू विन मियंट, उन्होंने हैदराबाद हाउस में वार्ता की थी और दोनों देशों के बीच में 10 करार किए गए हैं। अधिकतर समझौते में म्यांमार में खास करके संघर्ष प्रभावित रखाइन प्रांत है उसमें भारत की सहायता के तहत चल रही विकास परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है और समझौतों में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सहयोग, तस्करी पीड़ितों को बचाने, खोजने और वापसी के लिए पुनः मुख्यधारा में शामिल करने के पर एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस में शामिल किया गया है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि 27 फरवरी को ये 10 समझौते हुए थे। किसके बीच में हुए थे? प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुए थे और जो राष्ट्रपति हैं म्यांमार के यू विन मियंट, प्रधानमंत्री मोदी का मतलब है, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में ये 10 समझौते हुए थे 27 फरवरी को। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू विन मियंट, उनके साथ जो है प्रथम महिला नागरिक दाओ चोचो भी जो है उनके साथ आई थी भारत। और यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं दोस्तों कि इससे पहले नौसेना प्रमुख जो है जिनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह, वो 17 से 20 फरवरी की बात करें तो वो म्यांमार के दौरे पर थे और उनके दौरे का उद्देश्य था कि भारत और म्यांमार के बीच जो है द्विपक्षीय समुद्री रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा किया है? तो आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां पर इस विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रख दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बस जो है जो लफ्ज थे उनको चेंज किया गया है यूनिवर्सिटी के आगे उर्दू अरब फारसी यूनिवर्सिटी की जगह अब क्या हो जाएगा वहाँ पर भाषा विश्वविद्यालय लिखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने नाम में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाम बदलने का फैसला गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश की आनंदी बेन के सुझाव पर लिया है और उन्होंने इस सिलसिले में पिछले साल राज्य सरकार से विचार करने को कहा था जिसके बाद कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय कानून 1973, यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान देने वाला है कौन सा जो है कानून की बात की गई है, कानून 1973 में संशोधन किया है और राज्य सरकार के अनुसार राज्य में भाषा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यही बता दें कि राज्य सरकार का मानना है कि उर्दू अरबी और फारसी के अलावा फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा में रोजगार के भी अवसर हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी के नाम में उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से मामूली सा बदलाव किया गया है और अब जो है वहाँ पर जोड़ दिया गया है विश्वविद्यालय यानी कि भाषा विश्वविद्यालय अब इसमें जोड़ दिया गया है और हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है दोस्तों? उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी ये पहले था, अब इसे भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यानी कि नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये होता है 28 फरवरी के दिन।
आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे इसके बारे में कि प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? इस दिन को जो है वैज्ञानिक हमारे जो देश के थे, जो इन्हें हम जानते हैं सीवी रमन के नाम से, उन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है, यानी कि सीवी रमन जो है, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को भौतिक के गंभीर विषय में एक महत्वपूर्ण खोज की थी जिसे रमन इफेक्ट का नाम या फिर रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ONGC और HPCL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इसका जो सही जवाब है वो है पेट्रोनेट MHB। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस संगठन जिसको हम कहते हैं ONGC और उसकी सहायक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड यानी कि HPCL ने मैंगलोर में पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन में एक मालिकाना हक वाली पेट्रोनेट MHB लिमिटेड में लगभग 371 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि ONGC और HPCL ने 185.38 करोड़ रुपए में ये सौदा किया है। यहाँ पर दोस्तों करोड़ आएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोनों कंपनियों ने इसके लिए बैंकों के समूह को अलग अलग 185.38, ये आपको ध्यान रखना है कि 185.38 करोड़ दोनों कंपनियों ने अलग अलग किया है। इस अधिग्रहण के बाद पेट्रोनेट में ONGC और HPCL दोनों की हिस्सेदारी बढ़कर 49.996% पर पहुंच गई है। दोस्तों अब एक वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल था कि हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए PV सिंधु। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो PV सिंधु हैं और आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, उनकी मौजूदगी में 25 फरवरी 2020 को एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस अवसर पर भ्रष्टाचार रोको शीर्षक के से साथ एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आँखें और कान खोले रखने का कहा गया है। PV सिंधु की एक विश्व वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वे भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी रही हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, रूस या फिर चीन। दोस्तों आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagranJosh.com।